अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल जिलानी और आप देख रहे हैं दानियाल जिलानी व्लॉग। मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। मैंने कई अरसे से तबलीगी इज्तिमात के बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत सुना। बज़ाहिर मीडिया पे जो पोर्ट्रे किया जाता था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और आज मैं आपसे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कुछ 31 जनवरी 2020 की बात थी। इज्तिमा का मैंने सुना था कि वो शुरू हो गया है और 3 दिन ये इज्तिमा होता है। कराची वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चलता है, हर साल होता है ये। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि क्यों ना मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, एक व्लॉग ही बना लेते हैं। नीयत तो मेरी ऑनेस्टली यही थी जाने से पहले। एक दिमाग में मेरे पिक्चर थी कि यार यहाँ पे सारे वो लोग होते हैं जो जिनके पास बहुत फारिग टाइम होता है, जो कि लो वेजेस पे होते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं, इनके पास बहुत वक्त है, ये लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि मतलब कोई इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं। 31st दिन शुरू हुआ, फ्राइडे आई रिमेंबर इट वॉज, आई कुडंट गो ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैंने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह ताला मुझे इज्तिमा देखने के लिए जाना है और मेरी ये नीयत है, आप प्लीज़ किसी को कोई किसी से भी बोलें कि ऐसा कुछ सिलसिला बन जाए कि मैं भी जा सकूँ। सडनली मेरे दोस्त की कॉल आती है असर के वक्त कि हम लेने के लिए आ रहे हैं आपको, आप चलें। उससे मैंने पहले भी बात की थी, तो बेल बजी, मैंने जल्दी से एक बैग उठाया, उसमें अपना जो सामान था वो डाला, एक स्लीपर डाला, कुछ एक दो कपड़े डाले और मैं चल दिया। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई असर के वक्त से, मगरिब के वक्त हम कुछ वहां पहुंचे, मगरिब हमने वहां पहुंच के पढ़ी, और उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी, मेरा दिमाग, मेरे ख्यालात सब कुछ 180 डिग्री बदल के रख दिए। बज़ाहिर मीडिया पे सुने जाने वाला इज्तिमा जो कि रिट्रीटेड और बैकवर्ड साउंड करता था, वहां तो पिक्चर ही कुछ और थी। खैर, हम वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद हमने अपने जो है बैग्स रखे। बहुत बड़ा एक ग्राउंड है औरंगी में, जहां पे लोगों ने रात के वक्त हल्की ठंड में स्लीपर्स बिछाए हुए थे, मस्जिद के तहत उनको इनरोल किया जाता था और वहां पे मसाजिद वाइज कैंप्स लगाए जाते थे। मैंने भी जाके अपनी मस्जिद वालों के साथ अपना टेंट बिछा दिया। थोड़ी देर के बाद वहां पे हमें इशा की नमाज पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद हमें डिनर सर्व किया गया। कोई कढ़ाई गोश्त लेकर आ रहा है, कोई अचार गोश्त लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, और बिकॉज आई एम बिरयानी लवर तो मेरे दिल में आया अल्लाह ताला यहाँ पे बिरयानी भी हो तो क्या अच्छी बात है। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ एक बुजुर्ग साहब बिरयानी लेकर आते हैं, बेटा आप प्लीज ये भी खाएं, और हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा उसका माल खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी लाई हुई चीज खाएं। मैंने ऐसा मंजर पहले कभी भी नहीं देखा था, इतनी हॉस्पिटैलिटी मैंने कभी भी नहीं देखी थी। फिर मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह सुभान व तआला आइसक्रीम मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अंदर ही अंदर तो ऑनेस्टली अंदर ही अंदर मेरे दिल में तो ये था ही कि मैं यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ, कोई खास मकसद नहीं था, एक्सप्लोर करने आया था। सडनली एक अंकल आते हैं कि आज मीठे का एहतमाम मेरी तरफ से है और ये आइसक्रीम खाएं आप, वो भी पूरे ड्राई फ्रूट वाली फिट आइसक्रीम। फिर बयानात होते रहे, हम बयानात सुनते रहे जिसमें कोई फिरकावारियत की बात नहीं थी। इनफैक्ट मैं सुन रहा था कि कहीं यहाँ इज्तिमा में शियाओं के खिलाफ और देवबंदियों के खिलाफ या अहले सुन्नत अहले जमात और वहाबी और हनफी और शाफी और हम्बली और किसी के खिलाफ कोई बात हो तो मैं इसको पॉइंट करूं, और एक दफा भी किसी बयान में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो रेशियल हो, जो रेडिकल हो, कोई एक्सट्रीमिस्ट थॉट हो, कहीं पे भी नहीं। यहां तक अभी मेरी हैरानगी उरूज पे पहुंची थी कि मेरा इत्तेफाक हुआ वॉशरूम जाने का। तो वॉशरूम जो है कुछ 100-200 वॉशरूम्स होंगे वहां पे, लेकिन इज्तिमा में आने वालों की तादाद लाखों में थी। जी हां, लाखों में थी। मैं वॉशरूम गया तो वहां बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर मुझे पता है कि एक 60 से 80 इयर्स के इंसान का ब्लेडर काफी वीक होता है और वो इतनी देर तक यूरिन होल्ड नहीं कर सकते, तो वहां कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी वॉशरूम्स के बाहर। मैं जाके खड़ा हुआ हूं एंड आई सॉ एन 80 इयर्स ओल्ड गाय ऑफरिंग मी टू गो टू द वॉशरूम फर्स्ट, एंड अप टू माई सरप्राइज आई वॉज थिंकिंग कि इन मोहतरम से खुद अपना पेशाब बर्दाश्त नहीं होगा और ये मुझे ऑफर कर रहे हैं कि मैं पहले चला जाऊं
मतलब हु डज दैट, यहाँ तो दो लोगों के बीच फाइट हो रही होती, पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा. स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस. एक तरफ लोग एक दूसरे को खिलाने के लिए आगे से आगे बढ़ रहे हैं कि आप मेरी तरफ से ये खाएं, नहीं आप मेरी तरफ से ये खाएं, आप मेरी तरफ से ये खाएं. दूसरी तरफ लोग आपको पहले ऑफर करें, आप पहले वॉशरूम चले जाएं. उसके बाद मैं वापस आया तो एक हमारे खान भाई थे, उन्होंने गर्मा गर्म कश्मीरी चाय लाके हमें दी कि भाई ये मेरी तरफ से आप सबके लिए. आई हैव बीन टू फेस्टिवल्स लाइक कराची ईट एंड फूड फेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई हैड नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड दिस काइंड ऑफ साइट. वी वर पीपल वर मोर देन वेलकमिंग एंड दे वर सो वार्म एंड दे वर सो कंटेंटेड कि मैंने ऐसा ब्रदरहुड कहीं नहीं देखा. देन आई वॉज वंडरिंग कि ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है. यार लाखों लोगों का मजमा होता है, हु कंट्रोल्स ऑल दैट. नॉट इवन अ सिंगल पुलिसमैन वॉज देयर, नॉट इवन अ सिंगल पुलिसमैन, नो आर्म्ड फोर्सेस, नो वन. वो सब इतने डिसिप्लिन थे, इतने डिसिप्लिन थे कि कोई आपको दूसरे से ऊंची आवाज में बात करता हुआ भी नजर नहीं आएगा. सबको पता था उन्हें कहां जाना है, उन्हीं के अपने वॉलंटियर्स थे जो नेविगेट करते थे अगर कोई रास्ता भटक जाता था कि सर आप यहां चले जाएं, सर आप वहां चले जाएं. एक जमे गफीर था लोगों का, पार्किंग प्रॉपर थी, डिसिप्लिन था सब कुछ, और मुझसे तो ये हजम ही नहीं हो रहा था. नेक्स्ट डे सुबह हुई तो हमने ये सोचा कि खासतौर पर मैंने कि मैं जाके और एक्सप्लोर करता हूं चीजों को. मैं गया ढूंढते ढांढते तो वहां पर एक नाश्ते का स्टॉल लगा हुआ था जहां पर से आपको ब्रेड जैम जो भी नाश्ते का सामान था ही मिलता है. तो जैम का एक बड़ा वाला पैकेट, बड़ा वाली बॉटल जार जो होता है वो 370 का बाहर मिलता है. एंड आई वाज लाइक ये तो उन्होंने जरूर महंगा रखा होगा, ऑब्वियसली एज पर द डिमांड तो ये तो उन्होंने महंगा रखा होगा. आई वेंट एंड आई आस्क्ड दैट गाय कि भाई ये कितने का. आई वाज एक्सपेक्टिंग 470 बोलेगा, 450 बोलेगा, और सही भी है यार, इतने लोग हैं, इतना माल लाना पड़ता होगा, ऑल दैट पेट्रोल का खर्चा वर्चा जो भी है. ही टोल्ड मी सर ये जो है ना ये 300 रुपए का है. आई वाज लाइक कितने का है, कहते 300 रुपए का. रिटेल पे वो जैम का जार 370 का मिलता है और वो बंदा 300 का भेज रहा है. और इस बात ने मुझे मजबूर किया दूसरा क्वेश्चन पूछने पे कि भाई ऐसा क्यों. तो उसका सामने से रिप्लाई आया, ये लोग अल्लाह के लिए आए हैं सर, ये लोग अल्लाह के नबी के लिए आए हैं, उनका दीन फैलाने के लिए आए हैं, इनकी मदद हम पे करना फर्ज है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ये मेरे भाइयों के लिए. और फिर मैंने पूछा और ये पापे जो 170 रुपए का पैकेट बाहर मिलता था वो बंदा 120 रुपए का बेच रहा था. और मैंने उसमें दोबारा पूछा कि ये आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं. तो बोला नहीं सर ये मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है इन लोगों के लिए, और आप चाहें तो आप मुफ्त में ले जाए. मैंने ऐसा नज्म जब्त का मुजाहिरा कहीं पे भी नहीं देखा. और मेरी जो ये वाली थॉट थी कि यहां पे सारे फारिग लोग हैं जिनकी कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो ये भी मैं बता दूं, मल्टे मिलियनर्स, बिलियनर्स, सीईओज ऑफ इंटरनेशनल फर्म्स, हार्वर्ड का ग्रेजुएट मिला मुझे वहां, ऑक्सफर्ड का ग्रेजुएट मिला वहां मुझे, आईबीए से एमबीए करने वाला बंदा मिला मुझे, लम्स के ग्रेजुएट्स मिले वहां पे. मतलब मैं ये सोच रहा था कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट, बीइंग अ रिसर्चर, मैं वहां पे सबसे कम पढ़ा लिखा हूं. और मेरे मद्दे मुकाबिल एक्सट्रीमली क्वालिफाइड लोग हैं, सर्जन्स मौजूद हैं, फिजिशियंस मौजूद हैं, एचओडीज, प्रोफेसर्स, पीएचडीज मौजूद हैं. और मैं ये सोच रहा था कि यार मैं कितना ज्यादा गलत था अपने बारे में और कितनी मैंने गलत सोच रखी हुई थी. ये बहुत पुरामन लोग हैं, ये बहुत लवेबल लोग हैं, ये बहुत मोहब्बत, इज्जत, एहतराम करने वाले लोग हैं, और इनका एक ही मकसद है, सिर्फ आप अपना रिश्ता अल्लाह से बना लें. दैट्स इट, दैट्स इट. ये कोई फिरका वारियत की बात नहीं करते, ये कोई फिरका परिस्ती की बात नहीं करते, ये कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं फैलाते, ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत फैलाने वाली जमात है. तो जो मैंने देखा वो मेरा शेयर करना जिम्मेदारी थी उन तमाम लोगों से जो समझते हैं कि तबलीगी इज्तिमात जो है वो एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं और हमें नहीं भेजना चाहिए. मैं आप हर इंसान से जो देख रहा है रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाए और अपनी लाइफ में एक दफा ये इज्तिमा जरूर जरूर अटेंड करें. इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. ये सब जो साथ रहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, दीन, मजहब सिर्फ इसकी बुनियाद पर रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे साथ रहता है.
यहाँ कोई शिया नहीं देखा जाता, कोई सुन्नी नहीं देखा जाता, कोई देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, हनफी, शाफी, कोई नहीं देखा जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। इससे बड़ी प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इज्तिमा नहीं अटेंड किया है, वो जरूर जाके इसको अटेंड करें। और जहां तक ये कोरोना वायरस वाला मसला रहा है, तो जिस दिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि पब्लिक गैदरिंग्स पे अब बैन लगा दिया गया है, अब कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, उसी दिन इस इज्तिमा को भी रोक दिया गया था। हालांकि यहां पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यूके, यूएस, स्पेन, चाइना, इटली, मोरक्को, मेक्सिको, हर कंट्री, आप नाम लें और आपको बंदे मिल जाएंगे। तो वो सारे लोग यहां आए हुए थे, बैन लगा दिया गया, वो वापस चले गए। कुछ लोग ये जमाते बना बना के मुख्तलिफ मसाजिद में जाते हैं और वहां जाके फिर अल्लाह की बात करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो ये उन्हीं मसाजिद में रह गए, और फिर जब इनमें कोरोना डायग्नोस हुआ तो वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये ही रिस्पॉन्सिबल है और इन्होंने ही फैलाया है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, वो तो उन्हीं मस्जिदों में रह गए गवर्नमेंट के कहने पे, जहां पे वो ऑलरेडी इनके अनाउंसमेंट से पहले जा चुके थे। तो इसने बजाय इनकी कोई गलती नहीं है। तो मीडिया को वो चेहरा दिखाना चाहिए जो एक्चुअल है, रादर देन वो जो उनका अपना मुफाद है। और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यहां पूरी होती है, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तबलीगी जमात के लोगों से रिलेटेड जो एक बुरा इमेज लोगों के दिमाग में फैब्रिकेट हो गया है हमारी मीडिया की वजह से, कहीं ना कहीं वो जल्द अज जल्द दूर हो जाए।